नमस्कार दोस्तों, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ केले के कोफ्ते, जिसका स्वाद बिल्कुल ही मछली की तरह लगेगा। केले के कोफ्ते का वीडियो पहले भी मैंने बनाया है, पर आज के कोफ्ते में हम कुछ अलग मसाले का यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है केला, और इसे अच्छी तरह से हमने धोकर साफ कर लिया है। इसका हम डंठल निकाल देंगे और इसे बीच से हम दो भाग करेंगे। अगर केला बड़ा है तो उसे आप तीन भाग भी कर सकती हैं। तो इस तरह हम दो भाग में काटेंगे केले को और इसे हम उबालेंगे। तो डंठल को हम इस तरह निकाल देंगे केला में से। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है कुकर और उसमें सारे में कटे हुए केले को डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे। ऐसा ढक्कन बंद करके एक सीटी आने तक इसे हम उबालेंगे। तो एक सीटी आ गया है, केला हमारा उबल भी गया है, तो ठंडा होने पर इसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए, केले हमारे ठंडे हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे निकाल कर थाली में रख देंगे। तो सारे केले हमने निकाल लिया है, अब चलिए इसका छिलका उतार लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे छिलके उतार रही हूँ। तो छिलका सब उतार लिया है, अब चलिए इसे मसलते हैं। तो केला को हम मिक्स करेंगे। तो आप कलछी से भी कर सकती हैं, अपने हाथों से भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ कलछी की सहायता से इसे मिक्स कर रही हूँ। और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच बेसन। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। और उसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हम थोड़ा सा डालेंगे अभी। उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हल्दी। तो हल्दी हमने 1/2 चम्मच लिया है। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हरी मिर्च कटकर। तो आप तीखा कम ज़्यादा कर सकती हैं अपने पसंद से। और मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा हरा धनिया। इन सबको हम मिक्स करेंगे। तो कलछी से हरा धनिया मिक्स कर रहे हैं। तो चलिए पहले इसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है काला सरसों, और थोड़ा सा ले लिया है धनिया। ये थोड़ी सी हमने काली मिर्च ली है, और जीरा है, दो सीखी लाल मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पर हमने लहसुन ले लिया है, तो लहसुन का यूज इसमें ज़्यादा करेंगे। लहसुन डालने से इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है। और इसी में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी। चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, और उसमें चलिए अब तेल डालते हैं। तो तेल को हम आँच पर गर्म कर लेंगे। और यहाँ हमने कोफ्ते बनाने के लिए हाथों में हल्का सा तेल लगा लिया है। और इस तरह हम गोल आकार में इसका एक पेड़ा की तरह बनाएंगे। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो कोफ्ता बनाने के लिए थोड़ा सा पहले हाथ में हम तेल लगा लेंगे, और इस तरह गोल आकार में इसको हम बनाएंगे। तो इसी तरह सारे हम कोफ्ते बना लेंगे। तो तेल हमारी गर्म हो गई है, अब चलिए इसमें कोफ्ते को डालते हैं। तो एक एक करके कोफ्ता को हम डालेंगे अलग से। इसी तरह सारे कोफ्ते हम डाल देंगे। अभी हमारा गैस का आँच जो है तेज है, इसे हम धीमा करके इसे हल्की आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोफ्ता हमारा लगभग तल गया है। तो चलिए इसे निकाल भी लेते हैं। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो इसी तरह सारे कोफ्ते को हम तल लेंगे। तो कोफ्ता हमने तल लिया है, चलिए मसाला बनाते हैं। तो उसी तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने राई भी डाला हुआ है, और 2 सूखी लाल मिर्च है, 2 तेज़पात है। इन सब को थोड़ा सा टकने देंगे। इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज काट लिया था। अब इन सबको थोड़ा गोल्डन ब्राउन तक भूनेंगे।
इसमें डाल लेंगे टमाटर, थोड़ा सा डाल देंगे नमक, तो नमक डालने से टमाटर हमारे जल्दी ही पक जाएंगे। तो टमाटर और प्याज को अच्छी तरह हम पका लेंगे चलाकर। तो यहाँ पर देखिए टमाटर और प्याज हमारे अच्छे पक गए हैं, इसे हम छोलनी से क्रश कर देंगे। तो इसका एक पेस्ट भी बन गया है। अब चलिए इसमें डालते हैं मसाले को। तो मसाला डाल दिया है हमने, अब चलिए इसे भून लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर आँच हम मीडियम साइज में रखेंगे। तो देखिए हमारा मसाला जो है लगभग भून चुका है, इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ मसाला हमारा पूरा भून चुका है, उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा डाल देंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। तीखा नहीं होता है खाने में, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो इन सब को अच्छी तरह मिलाकर थोड़ा सा और भून लेंगे। तो जब तक हमारे मसाले से तेल नहीं छोड़ेंगे थोड़ा तो भून लेंगे। तो देखिए मसाला हमारा भून चुका है, इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी हमने डाल दिया है, इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद मसाला को चेक कर लेते हैं। तो मसाला यहाँ पर पूरा अच्छे तरह पक गया है, इसमें उबाल भी आ गया है। तो इसी में डाल देंगे हम कोफ्ते को। तो देखिए कोफ्ता डालकर इसे ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, बस 2 मिनट के लिए इसे हम मिलाकर चला लेंगे। तो कोफ्ता लगभग हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं काटा हुआ हरा धनिया। तो मैंने यहाँ पर कोफ्ते में डालना है सरसों। तो सरसों डालने से कोफ्ते का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा और मछली की तरह आएगा। तो देखिए बस यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए पकाया है इसे। अब देखिए कोफ्ता हमारा बन गया है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब हमारा कोफ्ता एक भी टूटा भी नहीं है, खाने के लिए तैयार है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं कटोरी में। तो कोफ्ता हमारा जो है खाने के लिए तैयार है। तो हमारा यहीं पर कोफ्ता की रेसिपी ख़त्म होता है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।